थोड़े से शब्दों को गहरे समझ लो। मनुष्य माया के वशीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है और सब तरह के कर्मों को करता है। माया के वशीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। माया शब्द को सबसे पहले हम समझ लें। साधारणतः लोग समझते हैं माया उसे कहते हैं जो नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में उसका अनुवाद लोग इल्यूजन करते हैं। वो अनुवाद गलत है। माया का अर्थ भ्रम नहीं, माया का अर्थ सम्मोहन, हिप्नोसिस। माया का अर्थ है मनुष्य के मन की ऐसी क्षमता है कि वो जो भी मान ले वैसा ही उसके मन के समक्ष होना शुरू हो जाता, उसकी मान्यता ही यथार्थ बन जाती। वो जैसा स्वीकार कर ले, जैसा अंगीकार कर ले, वैसा ही घटित होना शुरू हो जाता। माया मनुष्य के मन की एक क्षमता है और इसी का बड़ा विस्तार पूरे जगत में दिखाई पड़ता है। सारे मनुष्य मिलकर सारे जगत में जो सम्मोहन की अवस्था पैदा करते हैं वो पूरे जगत की माया बन जाती है। जैसे एक आदमी पागल हो तो एक आदमी पागल है, अगर पूरा समूह पागल हो जाए तो वो समूह जो पैदा करेगा वो पूरे ही जगत को पागल कर देगा। माया मन की सम्मोहित होने की क्षमता का नाम है। सम्मोहन का अर्थ है कि हम जैसा मानते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। थोड़े से ख्याल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपने किसी हिप्नोटिस्ट को, किसी सम्मोहन करने वाले को, सम्मोहनविद को देखा हो, किसी मैक्सकोली को या किसी और को, न देखा हो तो भी कोई बात नहीं, छोटा सा प्रयोग कहीं भी करके देख ले सकते हैं खुद भी। यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर हम सारे लोग अपनी मुट्ठियां बंद कर लें और एक 5 मिनट तक सोचते रहें कि ये मुट्ठियां अब खुल ना सकेंगी, ये मुट्ठियां खुल ना सकेंगी, ऐसा 5 मिनट सोचते रहें, फिर 5 मिनट के बाद मैं आपसे कहूं कि अब खोलिए मुट्ठियां पूरी ताकत लगा के, तो कम से कम 30% लोग मुट्ठियां नहीं खोल पाएंगे। और जितनी कोशिश करेंगे उतना ही पाएंगे कि मुट्ठी खोलना असंभव, अपनी ही मुट्ठी, यही 30% लोग मुट्ठी नहीं खोल पाएंगे, इससे ज्यादा भी संभव हो सकता है, मगर 30 का तो होगा ही। और जितनी आप कोशिश करेंगे खोलने की उतने ही पाएंगे कि आपके वश के बाहर हुआ जा रहा है, मुट्ठी और बनती जा रही। अब मजा यह कि मुट्ठी आपकी है और सदा खोलते रहे, और आज क्या हो गए, वो जो 5 मिनट आपने भाव किया कि अब मुट्ठी नहीं खोल पाएगी, वो सम्मोहन की क्षमता का उपयोग है, मुट्ठी बन गई। अगर हम एक व्यक्ति को दो दूर कुर्सियां रख दें 5 फीट की दूरी पर, एक कुर्सी पर उसका सिर रखें, दूसरी कुर्सी पर उसके थोड़े से पैर आ जाएं और उसको कहें कि लेट जाओ, तो फौरन नीचे गिर जाएगा क्योंकि कमर झुक जाएगी, कमर के लिए कोई सहारा चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को जमीन पर पहले लिटा दें और सम्मोहित कर दें और इसको कहें कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी कमर नहीं झुकेगी, फिर 5-7 मिनट के बाद इसको उठा के कुर्सी पर रख दें, लकड़ी के तख्ते की तरह कुर्सी पर, दोनों कुर्सियों पर रख जाए, न केवल इतना बल्कि अब इसकी कमर पर बीच पे एक आदमी सवार होकर बैठ जाए तो भी इसकी कमर झुकने वाली नहीं। क्या हुआ इसको, इसके मन की सम्मोहन की क्षमता का प्रयोग हुआ और शरीर इस क्षमता का अनुगमन करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जीवन की 100 में से 90 घटनाएं हमारे सम्मोहन से घटती। एक आदमी खांसना शुरू करता है, अचानक सबको खांसी आनी शुरू हो जाती है।
एक आदमी उठ के पेशाब करने चला जाएगा, न मालूम कितने लोग उठ के जाने लगेंगे। आपको पता नहीं है, ये सिर्फ सम्मोहन है, ये सिर्फ आपकी क्षमता अपने को सम्मोहित करने की। अभी तक आप बैठे थे, कोई खांसी ना थी, लेकिन एक खांसा कि आपको खांसी का ख्याल आया, ख्याल आते से आपके सम्मोहन को पकड़ा, सम्मोहन को पकड़ते से आपके गले में खराश शुरू हुई। अब आप खांसेंगे, अब आप बच नहीं सकते। ये सजेशन है, ये मंत्र का काम किया, पहले आदमी ने खांस के मंत्र का काम किया, अब आप इसका अनुगमन करेंगे। गांव में महामारी फैल जाती है, आप कभी ख्याल किए हैं? संक्रामक बीमारी फैल जाती है, लोग एकदम बीमार पड़ने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्सेस दिन रात उन्हीं मरीजों की सेवा करते रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। अगर बीमारी इंफेक्शियस है तो सबसे पहले उनको लग जानी चाहिए, सिर्फ सम्मोहन, क्योंकि डॉक्टर जानता है मैं डॉक्टर हूं। ये सम्मोहन उसको बीमारी के प्रवेश से रोकता है। वो दूसरे की सेवा में इस तरह रत है कि बीमारी का मंत्र उस पर काम नहीं कर पाता और बाकी लोग बीमार पड़ते चले जाते हैं। मनस्वित कहते हैं कि इसमें बीमारी के कीटाणु जितना काम करते हैं वो गौण है, इसमें सम्मोहन की क्षमता जितना काम करती है वो प्रमुख है। बीमार होते हैं, स्वस्थ होते हैं, यहां तक कि मनस्वित कहते हैं कि अगर एक मुल्क में लोग 70 साल तक जीते हैं तो मुल्क के मनस में ये सम्मोहन बैठ जाता है कि इससे ज्यादा तो जिया नहीं जा सकता। शरीर शास्त्री कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि इतने जल्दी क्यों मर जाए, बहुत जी सकता है। लेकिन अगर मुल्क में 70 साल की सीमा है लोगों के ख्याल में, तो 70 साल के करीब करीब पहुंचते आप ही सम्मोहित हो जाते हैं कि अब मरने का वक्त करीब आ रहा, अब बूढ़ा होने का वक्त करीब आ रहा, अब मरने का वक्त करीब आ रहा। गांधी जी को ख्याल था कि वो 125 वर्ष जिएंगे, वो जी सकते थे, इसमें किसी और शक्ति का प्रयोग नहीं है। वो जीवन भर से सोच रहे थे 125 वर्ष जिएंगा, ये सम्मोहन काम करता है। अगर उनकी हत्या न की जाती तो ये सम्मोहन काम करता। और अगर इसमें और गहरे उतरे तो गोम से उनकी हत्या कर सका, इसमें भी उनका स्वयं का थोड़ा हाथ स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हत्या के 6 महीने पहले से उन्होंने 125 वर्ष जीने का ख्याल छोड़ दिया और 6 महीने से वो कहने लगे थे अब तो परमात्मा मुझे उठा ले। भीतर कहीं मरने का भाव बैठना शुरू हो गया था। जीवन बहुत रसपूर्ण है, अगर मैं मरने के भाव को भीतर बिठाना शुरू कर दूं तो इस जीवन में हम सब संयुक्त थे, कोई मुझे मारने के भाव से संक्रमित हो जाए और हम दोनों के मेल से घटना घटेगी, जिम्मेवार अकेला वही होगा। जीसस के बाबत कहा जाता है कि उनको सूली चढ़ा दी गई, फिर वो पुनर्जीवित हो गए। ये सिर्फ सम्मोहन की गहन घटना है। जीसस को निरंतर ख्याल था कि मुझे मार डालो तो परमात्मा मुझे पुनर्जीवित करेगा, क्योंकि यहूदी शास्त्रों में कहा हुआ है कि जो पैगंबर होगा, जो क्राइस्ट होगा, वो मारा जाएगा और पुनर्जीवित होगा। जीसस को ख्याल था कि वही मैं आदमी हूं जिसका शास्त्रों ने विचार किया है। उनके शिष्यों को ख्याल था कि वही आदमी है जीसस, इसलिए हिम्मत से वो सूली पे चले गए। सूली का उन्हें जरा भी भय नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। अगर इसको हम मनस शास्त्र की तरफ से सोचे तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जब उनको सूली दी गई तो वो सिर्फ गहरे बेहोश हो गए, लेकिन इस भरोसे से, इस आश्वासन से कि मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा, ये बेहोशी हिप्नोसिस थी, ये बेहोशी आत्मसम्मोहन था। मर रहा हूं ये उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन इस स्वीकार के पीछे एक गहरा मंत्र काम कर रहा था कि मैं 3 दिन के बाद पुनर्जीवित हो जाऊंगा।
वो गहरे कोमा में बेहोशी में चले गए। ये बेहोशी स्वनिर्मित थी और जब दुश्मनों ने जाना कि वो मर गए तो उनकी लाश को पास के एक गुफा में रख के वो चले गए। 3 दिन बाद गुफा खाली पाई गई और जीसस के अनेक शिष्यों ने जीसस को अलग अलग स्थानों पर देखा। फिर इसके बाद ईसाइयत के पास जीसस का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि फिर जीसस का क्या हुआ। अगर जीसस पुनरुज्जीवित हो गए तो फिर वो कब मरे, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जीसस पुनरुज्जीवित हो गए फिर उन्होंने जरूसलम छोड़ दिया क्योंकि वहां दोबारा मारे जाने के सिवा कोई उपाय नहीं था। वो हिंदुस्तान चले आए और श्रीनगर के पास एक छोटे से गांव में रहे और वहीं मरे। उस छोटे से गांव का नाम आज भी बेथलहम और उस गांव में आज भी एक कब्र है जो ईसा की कब्र कही जाती है। ये पुनर्जीवन, ये मृत्यु गहरे सम्मोहन से घटित हुई। वस्तुतः ही जीसस मर गए हो तो फिर पुनर्जीवित होने का कोई उपाय नहीं, मरे ही नहीं थे, एक गहरे सम्मोहन में चले गए थे, तीव्र तंद्रा में उतर गए थे जहां श्वास भी खो जाती, हृदय की धड़कन भी बंद हो जाती। सम्मोहन की यह भी क्षमता है कि अगर आप चाहें तो अपनी नाड़ी को कम ज्यादा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप थोड़ा नाड़ी पर हाथ रख के गिनती कर लें, फिर 5 मिनट सोचते रहे कि नाड़ी की गति बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही, और 5 मिनट बाद आप फिर नाड़ी को नाप लें, आप पाएंगे नाड़ी की गति बढ़ गई, सूत्र आपके हाथ में आ गया। अब चाहे आप घटा लें, अभ्यास करते करते एक दिन आप इस जगह आ सकते हैं कि नाड़ी बंद हो जाए और आप जीवित हो। फिर आप हृदय पे भी प्रयोग कर सकते हैं, उसकी धड़कन को घटाने बढ़ाने का प्रयोग करें, फिर घटाते घटाते उस जगह ले आए जहां हृदय की धड़कन शून्य हो जाए, तो 6 महीने में आपके हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी और आप जीवित होंगे। शरीर हमारे मन की आज्ञा मानकर ही चल रहा है। अभी भी बीमार पड़ता है तो हमारी आज्ञा मान के चलता है, स्वस्थ होता है तो हमारी आज्ञा मान के चलता है, बूढ़ा होता है तो हमारी आज्ञा मान के चलता है, जीता है मरता है तो भी हमारी गहरी स्वीकृति और आज्ञा उसको होती। बूढ़े आदमी मर जाते हैं, उसका गहरा कारण यह है कि बूढ़े होते से आदमी मरने की आकांक्षा करता है। जवान आदमी नहीं मरते हैं, उसका मौलिक कारण जवानी नहीं है, जवान आदमी मरना नहीं चाहते हैं वो मौलिक कारण है। ये सारे घटना कम है और मानसिक घटना ज्यादा है। सम्मोहन को हिंदू शास्त्रों ने माया कहा है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी है, जो भी हमारी चित्त दशा है, वो सब हमारा सम्मोहन है। आप सुखी हैं दुखी हैं वो आपका सम्मोहन है, लेकिन आपको पता भी नहीं है, इसलिए बदलाहट बड़ी मुश्किल पड़ती है, बड़ी मुश्किल पड़ती है बदलाहट। अगर आप दुखी हो और किसी से कहो कि तुम्हारा सम्मोहन कि तुम दुखी हो तो वो मानने को राजी नहीं होगा क्योंकि बदल नहीं सकता। लेकिन सम्मोहन के आप प्रयोग करें तो आप चकित ही हो जाएंगे। व्यक्ति को सम्मोहित करके लिटा दें, फिर उसको प्याज का टुकड़ा दे दें और कह दें ये सेव है, वो खाएगा और कहेगा सेव। फिर आप उसके मुंह में मिट्टी डाल दें और कहें कि ये मिठाई है, और वो मिठाई की तरह ही भाव पैदा करेगा चेहरे पर, स्वाद लेगा, आनंदित होगा और कहेगा बहुत मीठा है। क्या हो रहा है उसको? कुछ भी नहीं हो रहा है, उसका मन जो स्वीकार कर रहा है वैसा ही शरीर चलना शुरू कर देता। मुसलमान फकीर और भी लोग आग पर कूदते रहे हैं, सूफी फकीर आग पर उतर जाते हैं, वो सिर्फ सम्मोहन, सिर्फ ये भाव प्रगाढ़ है कि पैर नहीं जल सकते, अल्लाह का साथ है, फिर पैर नहीं जल सकते। इसमें अल्लाह कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ ये भाव प्रगाढ़ भाव कि पैर नहीं जल सकते, तो अंगारा भी पैर पर असर नहीं कर पाता है क्योंकि अंगारे को भी असर करना हो पैर पर तो मन का सहयोग चाहिए, मन के सहयोग के बिना वो भी प्रभावी नहीं है, तो आंख से आदमी गुजर जाएगा और पैर नहीं चलेंगे,
और आप सोचते हैं ये बहुत कठिन है, तो आप किसी को भी सम्मोहित करके बेहोश कर लें और उसके हाथ में साधन कंकड़ रख दें और कहें कि ये अंगारा है और हाथ में फफोला आ जाए। ये मन की क्षमता का नाम माया है इस सूत्र में। और इस माया से वसीभूत सारे लोग मिलकर जो जगत निर्माण करते हैं वो बिल्कुल मैजिकल है, वो बिल्कुल जादूगिरी है। जिस जगत में हम रह रहे हैं वो हमारा जादू है। छत पीट रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये दुख हो रहा है, वो सुख हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, और वो हमारे जादू है और हमारे हाथ में उसकी कुंजी। ये सूत्र कहता है मनुष्य माया के वशीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। शरीर को सब कुछ समझना हमारा सम्मोहन है। ये सिर्फ हमारा ख्याल है और ये ख्याल आप किसी भी चीज के साथ जोड़ दें, ये ख्याल जुड़ सकता है किसी भी चीज के साथ। एक स्त्री है, वो आज मर जाए तो आपको कुछ कठिनाई नहीं होगी। कल आप उससे विवाह कर लेते हैं, विवाह करके आप करते क्या है, सात चक्कर लगा के आप करते क्या है, वो सिर्फ सम्मोहन की प्रक्रिया है कि सात चक्कर लगा के धूमधाम मचा के बैंड बाजा बजा के पंडित पुरोहित को बुला के लोगों को इकट्ठा करके आप अपने को सम्मोहित कर रहे हैं कि अब मेरी पत्नी हुई जा रही। वो वही स्त्री है, कल मती आपको कोई दुख ना होता, आज मरेगी आप छाती पीट के रो रहे। बड़ा आश्चर्य, सात चक्कर में ये मंत्र तंत्र ने, ये भेड़ भड़कियों ने, बैंड बाजे ने बड़ा चमत्कार किया है कि आप छाती पीट के रो रहे, सिर्फ सम्मोहित किया है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि शादी विवाह में इतने क्रियाकांड की जरूरत नहीं है, उनको पता नहीं, अगर ये क्रियाकांड नहीं होगा तो पत्नी पैदा ही नहीं हो सकती। ये क्रियाकांड अनिवार्य है, सम्मोहन का हिस्सा है। इसलिए जिन मुल्कों ने बुद्धिमानों की बातें मानकर, बुद्धिमान कभी कभी बहुत बुद्धिहीनता की बातें कहते हैं, उनकी बातें मान के किससे क्या फायदा, सात चक्कर लगाने से क्या मतलब, बैंड बाजे से क्या मतलब, फुलझड़ी फटाके से क्या मतलब है, घोड़े पे बैठने से क्या मतलब है, दूल्हे के कपड़े पहनने से न पहनने से क्या मतलब है, विवाह करना है तो कर लो, हाथ मिला लो, माला डाल दो, विवाह हो गया। लेकिन ध्यान रखना, वो सारी की सारी प्रक्रिया सम्मोहन की प्रक्रिया थी। उस सम्मोहन के प्रभाव में ही तुम पति बनते हो, पत्नी बनती, तुम्हारे बीच संबंध निर्मित होता है। वो तुम्हें अपनी मालूम पड़ती, तुम उसे उसके मालूम पड़ते। अगर वो सारी क्रिया तुमने छोड़ दी तो वो एक स्त्री है, तुम एक पुरुष हो, और तब तलाक अनिवार्य है। जिन जिन मुल्कों ने विवाह का क्रियाकांड छोड़ दिया, उन मुल्कों को तलाक का क्रियाकांड निर्मित करना पड़ा है। ये अनिवार्य है क्योंकि हमें पता नहीं कि मन के काम करने के ढंग क्या है। मन के काम करने के ढंग है, और मन के काम करने के सब ढंग सम्मोहन के ढंग है। उस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो मन सम्मोहित हो जाएगा। अब एक लड़के को गांव में आप दूल्हा बना के घोड़े पर बिठा के निकालते, ऐसा जिंदगी में मौका उसे दोबारा फिर घोड़े पर बैठ निकलने का आने वाला नहीं। पहली दफा वो अनुभव करता है मैं भी कुछ हूं, उसे हम दूल्हा राजा कहते। एक क्षण को वो भी राजा हो जाते और ठीक राजा की शान से घूमता है जिंदगी में, ये शिखर उसको फिर कभी नहीं मिलेगा। इस अहंकार के क्षण में सम्मोहन बहुत आसान, ध्यान रखना, अहंकार शून्य आदमी हो तो सम्मोहित नहीं किया जा सकता। ये साधारण आदमी अचानक दूल्हा राजा हो गया है, इसका अहंकार मजबूत है, ये घोड़े पर सवार है, सारा गांव घोड़े के नीचे है, ये घोड़े के ऊपर है, इसके अहंकार को एक शिखर प्राप्त हो रहा है। इस शिखर के क्षण में जो भी घटना घटेगी ये सब बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक है, इसके भीतर कोई भी चीज प्रवेश कर जाएगी, सम्मोहन पकड़ जाएगा, फिर दोबारा इस ऊंचाई पर ये कभी नहीं होगा। और इसलिए जिस ऊंचाई पर जो सम्मोहन पैदा हुआ था वो जिंदगी भर टिकेगा, वो अब छूट नहीं सकता पीछे, वो इसके अहंकार का हिस्सा हो गया। जिन्होंने ये सारी प्रक्रियाएं खोजी थी वो मन की माया को समझते थे, और आज के जो तथाकथित बुद्धिमान आदमी है उनको मन की माया का कुछ भी पता नहीं। वो निपट मूलतापूर्ण बातें लोगों को समझाते रहते हैं, यद्यपि वो तर्क देते हैं लेकिन तर्क थोथे हैं, और तर्कों के पीछे मनुष्य के मन के विज्ञान का कोई बोध नहीं।
और जब वो बातें करते हैं तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, क्या जरूरत है इतना खर्च करने की। हम समझाते हैं कि क्या जरूरत है इतना खर्च करने की, लेकिन वो खर्च अगर न हो तो सम्मोहन पैदा नहीं होगा। इसलिए गरीब अपनी हैसियत से भी ज्यादा खर्च कर लेता है, वो हैसियत से ज्यादा खर्च करने का मौका दोबारा उसको नहीं आएगा। हैसियत से ज्यादा खर्च करके वो दिल को नाजुक कर लेता है और अहंकार से भर जाता है। उस क्षण उसके भीतर जो प्रवेश कर जाता है वो टिकेगा, वो उसकी माया का हिस्सा हो गया। अब ये स्त्री नहीं रही, पत्नी हो गई, अब ये पराई नहीं रही, मेरी हो गई। ये जो मेरा होना है इसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। और हमारा सारा का सारा जीवन ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। हम अपने शरीर के संबंध में भी जो धारणा बनाए हुए हैं कि ये मेरा है, ये भी सम्मोहन है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बचपन से हम सीखते हैं, अनुभवों से भी पता चलता है। लेकिन मनस्विद कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है उसे कुछ पता नहीं होता कि ये शरीर उसका है, उसे कुछ पता नहीं होता। उसे ये भी पता नहीं होता कौन उसकी माँ है, कौन उसका पिता है, कुछ पता नहीं होता। ये सब सम्मोहन से वो सीखता है। माँ उसके ज्यादा निकट होती है, दूध पिलाती है, उसकी फिक्र करती है, धीरे धीरे वो उसका चेहरा पहचानना शुरू कर देता है। चेहरा भी वो बाद में पहचानता है, स्तन ही पहले पहचानता है। इसी कारण पुरुष पूरे जीवन स्त्री के स्तन से मुक्त नहीं हो पाते, पूरे जीवन। हमारे चित्रकार हो, कवि हो, लेखक हो, बड़े विद्वान हो, स्त्री के स्तन से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो पहला सम्मोहन है दूसरे के शरीर का। इसलिए स्तन की तलाश चलती रहती, खोज चलती रहती, मूर्ति चित्र हो, कविता हो, सब जगह स्तन उभर उभर के आता रहता। वो पुरुष के मन में पहला सम्मोहन है, गहरे बैठ जाता है। स्त्री शब्द का उच्चारण करते ही स्तन की छाया निर्मित हो जाती है, फिर वो चेहरे को बच्चा पहचानना शुरू करता है, दूसरों को पहचानना शुरू करता है, धीरे धीरे दूसरों के बीच अपने को अलग अनुभव करना शुरू करता है। मां का हाथ उसे अलग मालूम पड़ने लगता है, अपना हाथ अलग मालूम पड़ने लगता है। धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का अलग बोध होना शुरू होता है। पशुओं के मनोविज्ञान पर कुछ काम चलते हैं, जैसे भेड़ के बाबत हम सबको अंदाज है कि भेड़ भीड़ में चलती है, और एक भेड़ एक तरफ चली जाए तो सारी भेड़ उस तरफ चली जाती है। भेड़ का नेता एक तरफ जाए तो सारी भेड़ उस तरफ जाएंगी, चाहे वो खड्डा ही क्यों ना हो, जान ही खतरे में क्यों ना। अब तक ऐसा ही समझा जाता था कि भय के कारण ऐसा होता है, लेकिन अभी नई खोजें ये कहती हैं कि भेड़ों को अपने शरीर का व्यक्तिगत बोध नहीं, उनके पास एक कम्युनल माइंड है, एक सामूहिक चित्त है। तो वो जो दूसरी भेड़ है वो भेड़ को दूसरी मालूम पड़ती ही नहीं, भेड़ एक ग्रुप माइंड में जीती है, उनका एक समूह चित्त है। इसलिए एक भेड़ वहां जा रही है उसका मतलब है कि मेरा एक हिस्सा वहां जा रहा है तो मैं भी खींचा चला जा रहा हूं। व्यक्ति चित्त भेड़ में पैदा नहीं होता। चींटियों में भी ठीक समूह चित्त है, कलेक्टिव माइंड है, और समूह चित्त पैदा हो सकता है, सिर्फ सम्मोहन की बात है। व्यक्ति चित्त पैदा हो सकता है, वो भी सम्मोहन की बात है। समूह चित्त पैदा हो सकता है, वो भी सम्मोहन की बात। पूरब के मुल्कों में एक पारिवारिक चित्त था, तो परिवार का एक आदमी मर जाए तो परिवार के पूरे आदमी मरने को तैयार हो जाए। लेकिन पश्चिम में परिवार चित्त टूट गया, पूरब में भी टूट रहा है। अगर बाप पिट रहा हो तो भी बेटा पहले ये सोचेगा पश्चिम में कि सही कौन है, ये बाप जो पिट रहा है ये ठीक है कि मारने वाला ठीक है। जब तक ये साफ ना हो तब तक किसी का पक्षपात लेना ठीक नहीं, ऐसे ही ठीक है बात, क्योंकि तो बात होने से कोई ठीक तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ की हो, ठीक पिट रहा।
लेकिन पूरब में ये संभव नहीं था, धीरे धीरे यहां भी संभव हो जाए। परिवार चित्त था तो ये सवाल ही नहीं था कि बाप पिट रहा है मैं पिट रहा हूं। एक सामूहिक भाव था, दोनों के शरीर कहीं भीतर एक ही सम्मोहन में गुथे थे, वो सम्मोहन टूट जाए तो भिन्न स्थिति निर्मित हो जाएगी। मेरा शरीर भी मेरा ही सम्मोहन है, इसलिए ख्याल करें आप कि आपके शरीर में भी बड़े विभाजन। जैसे शरीर के ऊपर का हिस्सा आपका ज्यादा मेरा है, शरीर के नीचे का हिस्सा आपका कम मेरा है। बड़े मजे की बात, एक ही शरीर, उसमें नीचे के शरीर को आदमी ऐसा समझता है कि अपना नहीं, ऊपर के शरीर को समझता है अपना, और सबसे ज्यादा तो खोपड़ी को अपना समझता है। बाकी अगर आपका हाथ कट जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं मर गया, खोपड़ी तो गए। शरीर में भी आपके विभाजन है, और विभाजन इतने गहरे हो सकते हैं जैसे कि सारी संस्कृतियों ने, जिन्होंने भी काम वासना का दमन करवाया है, तो जननेन्द्रिय से आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा हिस्सा है, इसलिए उसको छिपाए फिरते हैं, घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो कोई जैसे कोई दुश्मन शरीर के भीतर है, अपना नहीं। छोटे से बच्चे में हम सम्मोहन पैदा करवाते हैं, बच्चा जैसे जननेन्द्रिय छूता है सारा घर रोकने को तत्पर हो जाता है, छुओ मत। बच्चे को खुद भी हैरानी होती है क्योंकि उसको बच्चे को अभी कोई पता नहीं कि हाथ और जननेन्द्रिय में कोई फर्क है, लेकिन सारा घर सचेत हो जाता है और सारे घर के मन में निंदा का भाव आ जाता है। बच्चा भी भयभीत हो जाता है कि मामला कुछ और है, बाकी सब शरीर ठीक है, जननेन्द्रिय ठीक नहीं। फिर यह भाव सघन होता चला जाता है। फिर आप अगर अपने से पूछे तो आपको पता बिल्कुल पक्का चल जाएगा कि जननेन्द्रिय आपका शरीर का हिस्सा नहीं। अभी अमेरिका की एक खिलौनों की कंपनी ने खिलौने बनाए, आपने ख्याल नहीं किया होगा कि आपके सब खिलौने झूठे क्योंकि उनमें जननेन्द्रिय नहीं होती। अगर आपका एक गुड्डा है, लड़का है, तो उसमें जननेन्द्रिय नहीं होती और बाकी सब होता है। लड़की है, गुड़िया है, तो जननेन्द्रिय नहीं होती, बाकी सब होता है। एक कंपनी को सूझा, बड़ी सूच की बात है, और मैं समझता हूँ 5-6 हजार वर्ष में पहली दफे सूझी किसी खिलौना बनाने वाले को कि ये बात तो झूठ है, प्रमाणिक नहीं। तो उसने जननेन्द्रियां बना दी खिलौनों में, तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया, और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अमरीका की जननेन्द्रियां खिलौनों में नहीं बनाई जा सकती। आश्चर्यजनक बात है, क्या हमारा दिमाग है, क्यों नहीं बनाई जा सकती? उस कंपनी ने बहुत लड़ाई की लेकिन नहीं बनाई जा सकती। कंपनी का कहना यह था कि अगर ये शरीर में है तो फिर खिलौने में क्यों नहीं होनी चाहिए, खिलौना प्रमाणिक होना चाहिए। लेकिन बड़ी घबराहट फैल गई और ऐसा मालूम पड़ा कि सारे अमेरिका का की बुद्धि इस पर अटक गई। बड़े विरोध में पत्र लिखे गए, अखबारों में खबरें छपी, विवाद चला, जगह जगह सिंपोजियम हुए कि ये नहीं हो सकता, इससे तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। आदमी में जननेन्द्रिय है और संस्कृति नष्ट नहीं हो रही, और खिलौने में जननेन्द्रिय होंगी तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। नहीं, पर उसका कारण है जिद और झगड़े का कारण है, और सुप्रीम कोर्ट के बुद्धिमान जजों को भी निर्णय देने के पीछे कारण कोई जननेन्द्रिय को अपना हिस्सा मानता ही नहीं। हमारा बस चले तो उन्होंने काट डाले, जिनका बस चला उन्होंने काट डाली। रूस में एक बड़ा संप्रदाय था कैथोलिक ईसाइयों का, जिसका नियम यह था कि जब तक कोई जननेन्द्रिय ना काट डाले तब तक वो धार्मिक नहीं हो सकता। तो जननेन्द्रियां काट डाली। 4-5 हजार साल पहले सारी दुनिया में ऐसे समूह थे जो जननेन्द्रियों को काटने को भरोसा रखते थे। मुसलमान आज भी खतना करते हैं, यहूदी खतना करते हैं, वो सिर्फ उसी का सिंबॉलिक है। एक जमाना था पूरी जननेन्द्रिय काट के आदमी धार्मिक होता था, फिर उतना तो मुश्किल पड़ने लगा लोगों को, लोग राजी ना रहे, तो थोड़ी सी चमड़ी काट के प्रतीकात्मक रूप से खतने को जारी रखा गया। तो अगर खतना नहीं हुआ तो कोई आदमी मुसलमान नहीं, अगर खतना नहीं हुआ तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सिर्फ छोटा सा प्रतीक रह गया, लेकिन मौलिक आधार यही था। पर ये अगर ये हमारे मस्तिष्क में हो तो फिर शरीर में विभाजन हो जाएंगे। हमारे शरीर में विभाजन,
विभाजन इतना गहरा घुस जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पर हम उतने शरीर से जितने से हमारा तादात्म्य बना लेते हैं उससे तादात्म्य बन जाता है, और जिससे हम तादात्म्य छोड़ देते हैं उससे तादात्म्य छूट जाता है। ये जान के आप हैरान होंगे कि आप बालों को काटते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अधिकतर समाजों ने बाल और नाखून को शरीर का हिस्सा नहीं माना, वो मुर्दे हिस्से। लेकिन एक आदमी को सम्मोहित करें और उससे कहें कि बाल भी तुम्हारे शरीर का जीवन हिस्सा है, और अब जब तुम्हारे बाल कभी भी काटे जाएंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, उसे तकलीफ होगी, फिर उसके बाल काटिए तो वैसे ही चीखेगा चिल्लाएगा जैसे अंगुली काटी। क्या यह संभव है कि मैं अपने हाथ को सम्मोहन के द्वारा मान लूं कि मेरा नहीं है और तब आप काटे तो मुझे दर्द ना हो? यह संभव है? ये संभव है? अगर जीसस को तकलीफ न हुई सूली पे चढ़ते वक्त, तो उसका कारण इस बात की प्रतीति थी कि ये शरीर में नहीं। अगर मंसूर के हाथ पर काटे गए वो हंसता रहा, उसका कुल कारण इतना था कि उसको प्रतीति थी कि ये शरीर में नहीं। अगर ये प्रतीत हो कि ये शरीर में हूं तो दुख होगा, पीड़ा होगी। तो पीड़ा और दुख या सुख हमारी प्रतीतियां हैं, हमारे सम्मोहन। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखें। आपके पैर में तकलीफ हो रही हो तब आप बैठ के ध्यान करें कि पैर मेरा नहीं, और आप पाएंगे कि तकलीफ की मात्रा एकदम छीन होगी, एकदम से पूरी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आप पूरा सम्मोहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाएंगे उसी मात्रा में पैर की पीड़ा कम हो जाएगी। और इससे उल्टा भी करके देखें, दूसरे के पैर में तकलीफ हो रही हो और आप ये सम्मोहन करें कि वो भी शरीर मेरा है, वो भी पैर मेरा है, तकलीफ शुरू हो जाएगी। ये तकलीफ इतनी बढ़ सकती है कि थोड़ा आपके पैर पर भी प्रकट हो जाए। अभी इस पर काफी खोजबीन चलती है कि जब बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उसकी माँ को भी तकलीफ पैदा हो जाती, दूर रखो तो भी। असल में बच्चे से इतना गहरा सम्मोहन है कि वो कितना दूर पीड़ा में पड़े तो वो माँ का ही फैला हुआ हिस्सा है, और ये सम्मोहन इतना गहरा है कि इसके दूर संप्रेषण, इसकी टेलीपैथिक खबरें माँ को मिल जाएंगी। जानवरों पर बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं, और चूंकि जानवरों के पास और भी सरल मन है इसलिए प्रयोग बहुत आसान होते हैं। कुछ खरगोशों पर प्रयोग किए गए रूस में, तो खरगोशों की माताओं को समुद्र के नीचे ले जाया गया पनडुब्बियों में 1000-2000 फीट नीचे, और बच्चों को रखा गया किनारे पर, और बच्चों को यहां मारा गया और वहां उनकी माताओं की जांच पड़ताल जारी रखेगी। जिस क्षण बच्चे मरते हैं उस दिन माँ, उसी क्षण माँ कब जाती है, उदास परेशान हो जाती। अब माँ को कोई भी खबर नहीं कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बहुत दूरी, लेकिन सम्मोहन संबंध जोड़ देता है। सम्मोहन ही संबंध है, जिस से आप संबंधित हैं वो आपका सम्मोहन है, और सम्मोहन जरा में टूट सकता है। आप अपने बेटे के लिए जान दे सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन आज आपके हाथ में चिट्ठी पड़ जाए और पता चले कि ये बेटा आपसे पैदा नहीं हुआ, सब सम्मोहन टूट जाए, आप इस बेटे की जान लेने को तैयार हो जाए, और जान लेने और बड़े प्रसन्न हो और तब पता चले कि चिट्ठी जाली थी, तो फिर छाती पीट कर रोएंगे कि ये क्या कर दिया। ये सारा का सारा खेल न बेटे से संबंधित है न बाप से संबंधित है, ये सारा का सारा खेल सम्मोहन से संबंधित है। जहां जहां हम अपने सम्मोहन को फैला देते हैं वहां वहां सुख और दुख का राज्य शुरू हो जाता है। मनुष्य माया के वशीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है और सब तरह के कर्मों को करता है, फिर शरीर जो कर्म बताता है वो उसे करने पड़ते, फिर वो मालिक नहीं रह जाता, फिर शरीर हो जाता है मालिक और आदमी हो जाता है अनुगामी। शरीर जो कहता है फिर वो वही करता है, जानते हुए भी करता है कि इससे हानि हो रही तो भी करता है, जानता है कि ये शराब पी रहा हूं तो जहर पी रहा हूं, लेकिन ये जानना काम नहीं आता क्योंकि शरीर कहता है पियो। शरीर की रासायनिक पकड़ शराब पर हो जाती, जो आदमी शराब पीता है उसके शरीर में रासायनिक फर्क हो जाता,
और जान के आप हैरान होंगे जो आदमी शराब पीता है उसके शरीर का एक एक सेल धीरे धीरे शराब का आदि हो जाता है, एक एक सेल, और एक एक सेल वक्त में मांगता है कि शराब दो। इसलिए शराबी जब छोड़ देता है तो तड़फड़ाता है, परेशान होता है, दिक्कत में पड़ता है और सब संकल्प धरा रह जाता है, क्योंकि शरीर कहता है दो, नहीं तो मर जाएंगे, जीना मुश्किल, शरीर के पीछे उसे चलना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर ही तो मैं हूं, ऐसी तो गहरी प्रतीति बैठी है। फिर शरीर जो भी करवाता है वो आदमी करता चला जाता है। शरीर क्या क्या करवाता है वो इस सूत्र में कहा है, वही मनुष्य विषय वासना और मद्यपान आदि विचित्र भोगों को भोग कर जागृत अवस्था में तृप्त होता है। विचित्र भोग का विचित्र कारण से कहा है, दो कारण, एक तो कि अगर उसी चीज से आपका सम्मोहन छूट जाए तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि जिससे आप तृप्त हो रहे थे उससे तृप्त होना तो दूर, उससे विकर्षण, जुगुप्सा, घृणा पैदा हो जाए। बुद्ध को ऐसा ही हुआ। बुद्ध को उनके पिता ने सारी सुंदरतम स्त्रियां इकट्ठी कर दी, वही भूल हो गई, नहीं तो बुद्ध सन्यासी ना होते। अगर उनको एक भी स्त्री ना मिलती तो शायद एक आध दो जन्म और लग जाते, क्योंकि जो नहीं मिलता उसका आकर्षण बना रहता है, जो मिल जाता उसका आकर्षण खो जाता है। फिर भी अगर और भी सुंदर स्त्रियां होती राज्य में जो बुद्ध को उपलब्ध ना होती तो भी वो शायद सोचते कि इन स्त्रियों से सुख ना मिला हो, उनसे तो मिल सकता है, तो दौड़ में लगे रहते। लेकिन राज्य में जो भी श्रेष्ठतम सुंदर स्त्रियां थी वो बुद्ध के पिता ने बुद्ध के आसपास इकट्ठी कर, एक जोशी की सलाह पर। जोशी ने कहा कि ये बेटा या तो चक्रवर्ती राजा होगा और या सन्यासी हो जाए। तो यहां तक तो उसने ठीक कहा था, क्योंकि यहां तक अपने विज्ञान की बात कर रहा था, गणित की। बुद्ध ने उससे पूछा तो मैं कैसे इसे रोकूं, तो जोशी ने अपनी बुद्धि से कहा होगा उसको स्त्रियों में रस रहा होगा, उसने अपनी बुद्धि से कहा, उसने कहा कि अच्छी स्त्रियां इसके आसपास रख दो, अच्छे महल बना दो, सब सुख सुविधा जुटा दो, फिर किस लिए संन्यास लेगा। आदमी दुखी होता है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, जोशी गरीब रहा होगा, आमतौर से जोशी गरीब होते हैं। उसने सोचा होगा कि अगर ये सब चीजें मिल जाएं मुझे तो मैं किस लिए छोड़ूंगा, उसे कुछ पता नहीं था। ज्योतिष का पता होगा लेकिन मनुष्य की अंतरात्मा का उसे कोई पता नहीं था। बुद्ध के बाप ने सारा इंतजाम कर दिया तो वही सन्यास का कारण बना, सब उपलब्ध था, सुंदरतम स्त्रियां उपलब्ध थी, लेकिन बुद्ध को धीरे धीरे घबराहट होनी शुरू हो गई। जब सब उपलब्ध हो तो विरक्ति बहुत आसान हो जाती, ऊब पैदा हो जाती, बोर्डम पकड़ लेती। सुंदरतम चेहरे भी कितनी देर तक सुंदर रह सकते हैं, जब तक न मिले तभी तक। सुंदर चेहरा मिल जाए फिर क्या करिएगा, फिर थोड़े दिन में उसका सौंदर्य खो जाता है। अगर इसे हम ठीक से समझें तो सौंदर्य दूरी का फल है, इसलिए सुंदर व्यक्ति सदा ही ख्याल में रहता है, एक दूरी बनी रहे, नहीं तो सौंदर्य खो जाने में देर नहीं लगती, एक फासला बना रहे, एक जगह रहे जिसको पार न किया जा सके। बुद्ध एक रात उठे, नींद नहीं उन्हें आ रही थी, वो सोच रहे हैं कि क्या इस सब को पाके कुछ मिल तो नहीं रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखा कि जो लड़कियां नाचते हुए उनको सुलाते वक्त उनके चारों तरफ नाच रही थी, और जब वे सो गए थे तो वे भी गिर के नीचे सो गई थी। तो बुद्ध ने एक दफा उनके चेहरे पर नजर डाली, किसी की लार बह रही थी, किसी का मुंह खुला था, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, किसी की आंख में कीचड़ जम गया था, कोई नींद में बड़बड़ा रही थी, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, किसके शरीर से पसीना बह रहा था, बहुत घिनौना मालूम पड़ा। एक एक के पास जाकर देखा तो उन्हें पता चला ये सब सौंदर्य के पीछे ये सब भी छिपा है, बहुत घिनौना मालूम पड़ा। वही रात उनके भागने की रात हो गई। लेकिन जो भी हम
भोगते रहते हैं, उस किसी भी भोगी गई चीज को अगर हम बहुत गौर से देखें, बहुत निकट से देखें, तो घबराहट पैदा होगी, ऊब पैदा होगी, भागने का मन होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो विचित्र कहने का एक तो कारण यह है, ऋषि कह रहा है कि बड़ी विचित्र बात है कि जिन चीजों में कुछ भी नहीं है भीतर, उनको भी आदमी भोग कर तृप्ति भी अनुभव करता है, भोगता भी है और तृप्ति भी अनुभव करता है, उसे विचित्र लग रहा है, लगेगा। जो आदमी भी भोग के प्रति जागेगा उसे हमारा सारा भोग बहुत विचित्र लगेगा, उसे ठीक वैसे लगेगा जैसे आपके घर का बच्चा खिलौने से खेल रहा है, खिलौने की टांग टूट गई तो रो रहा है, खिलौना उसके बिस्तर पर नहीं है तो सुनील नहीं आ रही, आपको बहुत विचित्र लगता है कि बिल्कुल पागल है, खिलौने से क्या लेना देना क्या मतलब है, लेकिन आप बच्चे नहीं है सिर्फ इसलिए। इस रुचि को विचित्र लगता है क्योंकि ये भी अब आप जैसा बच्चा नहीं, ऊपर उठ गया, एक और प्रौढ़ता आ गई, अब उसको लग रहा है कि कैसा कैसा विचित्र भोग भोग रहे हैं, और भोग ही नहीं रहे बड़े तृप्ति भी अनुभव कर रहे हैं। इसी माया, इसी सम्मोहन के वशीभूत होकर मनुष्य विषय वासना और मध्यपान आदि विचित्र भोगों को भोग कर जागृत अवस्था में तृप्त होता है। आदमी की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागा हुआ वो तृप्त होता रहता है, कहीं बड़ा मकान बना लेता है, कहीं किसी के प्रेम में पड़ जाता है, कहीं शरीर की कोई तृप्ति कर लेता है, कहीं भोजन कर लेता है, कहीं अच्छे वस्त्र पहन लेता है और तृप्त मालूम पड़ता है, लगता है कि सब ठीक चल रहा है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले और कितने ही हीरे जवाहरात शरीर पर लाद ले, क्या होगा, क्या उसका अर्थ है? आपका पूरा शरीर हीरे जवाहरातों से लाद दिया जाए तो भी क्या होगा, इससे क्या मिलेगा? विचित्र विचित्र है बात, लेकिन आदमी तृप्त मालूम पड़ता है। एक आदमी तिजोरी बढ़ता जाता है, तिजोरी में राशि बढ़ती चली जाती है और बड़ा तृप्त होता है, रोज गिनती करता रहता है, तृप्त होता है, क्या होगा, इससे क्या मिलेगा? एक आदमी बड़े पद पर बैठ जाता है और सोचता है सब कुछ मिल गया और जिंदगी पर दांव में लगा देता है, सब दांव में लगा देता है, बस बड़े पद पर होने की दौड़ में हो जाता है, एक दिन हो जाता है, लेकिन क्या होगा? जीवन का कौन सा रस हाथ में आ जाएगा, जीवन की कौन सी शाश्वतता मिलेगी, क्या जीवन मृत्यु के पार चला जाएगा, क्या सुख और दुख के ऊपर उठ जाएगा, क्या शांति अनुभव होगी, क्या अमृत का दर्शन होगा, क्या होगा इस सब से? लेकिन आदमी विचित्र है, वो भागे चला जाता है, वो भागे चला जाता है, फुर्सत ही नहीं मिलती उसे सोचने की, एक भोग चुपता नहीं दूसरा भोग खींचने लगता है, एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी जग जाती, इच्छाएं दबाए रखती हैं, और जागृत में पूरे समय हम करते क्या है, सुबह से लेकर शाम तक जब तक हम जागे हुए हम कर क्या रहे, हम सब इन्हीं इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और हम कभी ये भी नहीं देखते कि ये इच्छाएं जिनकी पूरी हो गई उनको क्या मिला है, और जो लोग इन बातों को पा रहे हैं, जिनको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वे सुखी है, क्या वे आनंदित है? नहीं, उनका दुख भी इतना ही है और वे भी किसी और आगे की चीज के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। और हर आदमी में चाहे वो कहीं भी हो और उसकी इच्छा में बराबर फासला है, अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं तो 10,000 की इच्छा है, 10,000 है तो 1,00,000 की इच्छा है, लेकिन आपने और आपकी इच्छा में फासला सदा बराबर, वो फासला कभी कम होता ही नहीं, 1 रुपया हो तो 10 की इच्छा होती है, 10 हो तो 100 की हो जाती है, 100 हो तो 1,000 की हो जाती है, 1,000 हो 10,000 की हो जाती है, वो उतना ही गणित फैलता चला जाता है। विचित्र है आदमी, जब एक था तब सोचता था 10 मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाए, जब 10 मिल जाते हैं तो बिल्कुल भूल जाता है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ, और मैंने सोचा था कि जब एक था तो 10 मिलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ ये बात ही भूल जाता है, अब वो सोचता है 100 मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, वही गणित फिर
100 भी मिल जाएंगे और वो पाएगा कि अब 1000 से बिना काम नहीं चलने वाला। लेकिन वो कभी भी लौट करने देखेगा कि ये तो मैंने पहले भी सोचा था कि 10 मिलेंगे तो सब ठीक होगा, 100 मिलेंगे तो सब ठीक होगा, वो मिल जाएंगे, अब मुझे 1000 भी मिल जाएंगे तो ठीक होगा, नहीं ये सोचेगा ही नहीं। वही मन जो 1 पर खड़े होकर 10 मांगता था, 1000 पर खड़े होकर 1000 मांगता रहेगा, वही मन ठीक वही अनुपात, कहीं कोई अंतर नहीं, और आदमी चलता चला जाए। श्री ऋषि कहता है विचित्र भोगों को आदमी जागृत में भोगता है, ये तो विचित्रता है ही, लेकिन और भी विचित्रता ये है कि तृप्त बिल्कुल नहीं होता और फिर भी तृप्त अनुभव करता है, ये और भी बड़ी विचित्रता है। किसी से भी पूछो, कोई तृप्त नहीं है और फिर भी ऐसा चेहरा लेके घूमता रहता है जैसे सब ठीक है। किसी से पूछो कैसे हैं, कहता है सब ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं, और कभी नहीं सोचता कि जो मैं कह रहा हूं ये क्या कह रहा हूं, क्या ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं, लेकिन झूठा चेहरा लगा के आदमी घूमता रहता है। शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते रहते ऐसे भाव से जैसे उन्होंने पा लिया, पिता पुत्रों को समझाते रहते ऐसे भाव से जैसे उन्होंने पा लिया, बूढ़े नई पीढ़ी को समझाते रहते ऐसे भाव से जैसे उन्होंने पा लिया, जैसे वो तृप्त हो गए। कोई ये नहीं कहता कि मैं तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि उससे अहंकार को चोट लगती है, ऐसा लगता है कि जिंदगी भर दौड़े, इतना दौड़े, इतना परेशान हुए, और अब ये भी कहें कि तृप्त भी नहीं हुए, तो फिर निपट मुंह है। तो भीतर तो जानते रहते हैं कि तृप्त नहीं हुए, लेकिन बाहर ऐसा भाव प्रकट करते रहते हैं कि सब ठीक। ये सब ठीक एक बड़ा गहन धोखा है। अगर ये सारी पृथ्वी के लोग एक बार भी 100 से ईमानदारी से प्रमाणिकता से कह दें कि हम तृप्त नहीं हुए, तो इस जमीन के सारे धोखे टूट जाएं, क्योंकि इस धोखे के पीछे फिर बहुत धोखे खड़े करने पड़े। किसी से जाकर पूछिए ईश्वर है, तो वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे पता नहीं, या तो कहेगा है या कहेगा नहीं, दोनों हालत में पता तो है ही। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो कहे कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि ये कहना तो फिर भीतर की अतृप्ति को प्रकट कर देगा, और ये कहना तो फिर भीतर के अहंकार को तोड़ देगा। किसी भी आदमी से पूछिए तो ऐसा लगता है कि वो जो कहता है, बताता है चेहरे से, वैसी वास्तविक स्थिति नहीं है। निकट आइए, करीब आइए, 2-4 दिन में वो अपने दुख का रोना शुरू कर देगा। 2-4 दिन भी बहुत दूर है, सफर में किसी के साथ 2-3 घंटे भी रह जाइए तो अपना दुख रोना शुरू कर देगा। वैसे पहले जब मिला था तो उसका चेहरा और था, फिर धीरे धीरे चेहरे की खुशी, वो जो धोखा था, जो पलस्तर था, वो हट जाएगा, और फिर उदासी, दुख, पीड़ा के सब भाव प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अजनबी आदमी से मिलने में सुख मिलता है। सुख का कुल कारण इतना है कि दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को धोखा देने में सफल रहते। परिचित आदमियों से बिल्कुल सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो सब उपद्रव प्रकट कर देते हैं आके, और तुम भी प्रकट, वो भी प्रकट कर देते हैं, तो दोहरा दुख हो जाता है उल्टा। अपरिचित आदमी से मिलने में थोड़ी देर तो कम से कम चेहरे बने रहते हैं और सुख मिलता है। इसलिए अपरिचित आदमी अच्छे लगते हैं, परिचित आदमी धीरे धीरे बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि उनके आते से वो सब गमगीन, सब उदासी, फिर उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं रहती कि सब अच्छा है, वो आते से अपना ब्यौरा शुरू कर देते हैं कि क्या क्या बुरा है। ये जो जागृत में हम भोगते हैं वो तो विचित्र भोग है ही, हम तृप्त होने का धोखा भी अपने को पैदा करते रहते हैं, वो भी आश्चर्यजनक है। और ये धोखा इतने आयामों में फैल जाता है जिसका हिसाब नहीं। बच्चे से पूछो, बच्चा सुखी नहीं, लेकिन बूढ़े से पूछो तो वो कहता है जब मैं बच्चा था तो बहुत सुखी था। एक बच्चन कहता कि मैं सुखी हूं, ये बच्चे सब कल बूढ़े होकर कहने शुरू करेंगे कि जब मैं बच्चा था तो बहुत सुखी था, बचपन में बड़ा आनंद था। ये धोखा है। ये बूढ़ा अपने को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भला आज ना हो सुख, लेकिन बचपन में तो था। सब बच्चे जल्दी बड़े होना चाहते हैं,
क्योंकि बचपन सुखद नहीं है। बच्चों से पूछो, बूढ़ों से मत पूछना है, क्योंकि बूढ़े धोखा देंगे। वो अपने को भी धोखा दे लिए कि बचपन बड़ा सुखद था। असल में आदमी के मन का एक नियम है, जो जो दुखद होता है आदमी उसका स्मरण छोड़ देता है, क्योंकि उससे अहंकार को चोट लगती है। जो जो सुखद होता है उसको बचाता चला जाता है, तो दुख की स्मृतियां छूट जाती है। मनोवैज्ञानिक एक बहुत अजीब निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। वो ये कहते हैं, खासकर फ्रायड ये कहता है, और उसकी बात ठीक मालूम पड़ती है, कि किसी भी आदमी को अगर हम पूछे कि तुम्हें आखिरी स्मरण कब का आता है, तो 5 साल 4 साल मुश्किल से आदमी पीछे लौट सकता है, कह सकता है कि जब मैं 4 साल का था तब का मुझे आखिरी स्मरण। लेकिन 4 साल भी तो वो था, उसका कोई स्मरण क्यों नहीं। फ्रायड का कहना है कि बचपन के 3-4 साल इतने दुखद है कि मन उनकी याद रखता ही नहीं। उनकी याद ही नहीं रखता, उनको भूल ही जाता है, बिल्कुल पहुंच ही डालता, उनकी जगह ही नहीं रह जाती चित्त में कोई। इसलिए हमारी 5 साल की स्मृति तो बिल्कुल कोरी रहती, लेकिन कोरी नहीं है। अगर आपको सम्मोहित करके बेहोश किया जाए तो आप बताना शुरू कर देते हैं। यहां तक हैरानी होती है कि बच्चे को अपनी मां के पेट में भी जो घटनाएं घटती हैं उनका भी स्मरण है। अगर मां गिर पड़ी है और बच्चा गर्भ में है तो उसको स्मरण आ जाता है। अगर मां बीमार है तो बच्चा भी दुखी होता है, भीतर स्मरण बन जाता है। लेकिन सम्मोहित कर तो ही स्मरण प्रकट होते हैं, नहीं तो ऐसे बंद है। आपको कोई याद नहीं, आप कहते हैं 5 साल के पहले का मुझे कुछ याद नहीं। इसका कारण यह है कि वो सब स्मरण ट्रॉमेटिक है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायी है, क्योंकि बच्चा इतना असहाय था, इतना परेशान था, हर चीज के लिए मोहताज था, दीन था। दूध भी उसे मांगना है तो रोए चिल्लाए, कोई दे दे तो ठीक, कोई ना दे तो ठीक। उसे अभी दूध और पीना है और माँ अलग हट जाए तो उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसको मच्छर काट रहे हैं, वो कुछ कह नहीं सकता। वो पड़ा है, उसको नींद नहीं आ रही तो उसे जबरदस्ती सुलाया जा रहा है। वो जगना चाहता है तो उसे जबरदस्ती, नहीं जगना चाहता तो जबरदस्ती जगाया जा रहा है। नहीं खाना चाहता तो खिलाया जा रहा है, खाना चाहता है तो कोई देने को तैयार नहीं है। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय और भारी कष्ट की थी। वो उसको बिल्कुल भूल गया क्योंकि वो उसके अहंकार को सुखद नहीं। हम धीरे धीरे जो दुखद है उसको अलग करते जाते हैं, जो सुखद है उसको बचाते चले जाते हैं। ना केवल बचाते हैं, फिर सुखद को हम मैग्निफाई करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। जरा सा रहा हो तो उसको 1000 गुना करते हैं। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि बचपन तो स्वर्ग था, कोई बच्चे ने कभी नहीं कहा, कोई बच्चा कभी कहेगा नहीं। लेकिन बूढ़ा कहता है क्यों, क्योंकि हम तृप्ति को अगर यहां नहीं मिल रही तो कहीं और हटा देना चाहते हैं। बचपन में मिलती थी, जवानी में मिलती थी, कहीं हटा देना चाहते, लेकिन तृप्ति कहीं मिलती थी, इस भ्रम से हम नहीं छूटना चाहते, क्योंकि ये अगर भ्रम छूट जाए तो आदमी के जीवन में क्रांति घटित हो जाए। तृप्ति मुझे मिली भी नहीं ऐसा जो आदमी जान लेगा वही धार्मिक हो सकता है। तृप्ति मैंने जानी ही नहीं, सब तृप्तियां मेरे ही धोखे थी, मैंने मानी थी, कभी मैंने कोई तृप्ति जानी नहीं। कोई ऐसा क्षण नहीं आया जिसे मैं तृप्ति का क्षण कहूं। ऐसा जो आदमी जान लेगा ये बड़ा दुखद है जानना, क्योंकि इससे लगेगा कि हम बिल्कुल भिखारी, तो हमने जीवन यूं ही कमाया। अहंकार बिखरेगा लेकिन उसके बिना बिखरे कोई धार्मिक होता नहीं। जागृत के लिए ऋषि ने कहा कि विचित्र भोगों को भोग कर और मानता है कि तृप्त हो रहा हूं, लेकिन यहीं तक पूरा नहीं होता आदमी का मन, सपने में भी भोग जारी रखता है। और मजा तो यह है कि कम से कम चाहे हम पहली बात से राजी ना भी हो सके कि जागृत में जो भोग मिलते हैं वे वास्तविक नहीं है, लेकिन इतना तो हम भी मानेंगे कि स्वप्न में जो भोग मिलते हैं वे वास्तविक नहीं है, लेकिन जब वे मिलते हैं तब हम उनको बड़े मजे से भोगते हैं, बड़े मजे से भोगते। सपने का आपको ख्याल है, जो जो आप नहीं भोग पाते जागने में वो सपने में भोगते। बड़े महल में नहीं रह पाते तो बड़ा महल बना लेते हैं सपने, और सपने में दिक्कत नहीं आती। महल बनाने के लिए ना कोई धन की जरूरत पड़ती ना कुछ, क्योंकि आपका जो मन है सपने में अपनी माया का पूरा प्रयोग कर पाता है, क्योंकि यथार्थ कोई बाधा नहीं डालता। समझ ले, आप जागने में भी माया का प्रयोग करते लेकिन यथार्थ बाधा डालता है।
आप तो मानना चाहते हैं कि चारों तरफ सोना है लेकिन चारों तरफ पत्थर पड़े, वो बाधा डालते हैं। वो कहते कैसे मानोगे, आपका मन तो मानने का होता है। जिस आदमी को हम पागल कहते हैं असल में वो आदमी है जिसने यथार्थ को इतना इंकार कर दिया कि अब वो जागने में भी अपनी माया का पूरा प्रयोग कर रहा है। पागल का और कोई मतलब नहीं, पागल का मतलब इतना ही है कि जैसा हम सपने में करते हैं वैसा वो जागने में भी करने में समर्थ हो गया है। अगर उसे अपने मित्र से मिलना है तो कहीं मित्र के पास जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं बैठे हुए शून्य में उससे बातचीत करता रहेगा। हम कहते हैं आदमी पागल हो गया। पागल ही हो गया, ये आदमी अपनी माया की शक्ति का पूरा प्रयोग कर रहा है, आप थोड़ा कम कर रहे हैं। आप भी मित्र से बातचीत करते हैं लेकिन ऐसा नहीं मानते कि वो सामने मौजूद है, आंख बंद करके भीतर उसको देखते हैं फिर उससे बातचीत करते हैं। आंख बंद करके जरा कुर्सी पर लेट जाइए और आपको पता चल जाएगा आपकी माया ने काम शुरू कर दिया, बातें शुरू हो गई, चर्चा शुरू हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी हम बाहर तक नहीं आ जाते। कभी किसी आदमी को रास्ते से चलते हुए देखें, कहीं वो हाथ हिला रहा है, कुछ इशारा कर रहा है, ओंठ हिल रहे हैं, कुछ बोल रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है जो वहां मौजूद नहीं। तो हम में और पागल में मात्राओं का ही फर्क है। हम सपने में बिल्कुल पागल होते हैं, दिन में जरा संभाल के चलते हैं। पागल जरा ज्यादा हिम्मतवर है, वो अपने सपने को जागने तक फैला देता है और इसलिए पागल बड़ा सुखी मालूम पड़ता है। अभी इसको ठीक से समझ लें, पागल बड़ा सुखी मालूम पड़ता है क्योंकि अब सुख बिल्कुल उसकी सम्मोहन की बात है। मैं ऐसे मित्रों को जानता हूं जो पीरियडिकली पागल होते हैं, कभी 6 महीने के लिए पागल हो जाते हैं, 6 महीने भी ठीक हो जाते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि जब वो पागल होते हैं तब बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और जब ठीक होते हैं तब बीमार पड़ जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। क्या मामला है? असल में जब वो पागल होते हैं तब यथार्थ को इतना इंकार कर देते हैं कि यथार्थ उनके लिए बाधा डाल ही नहीं सकता, कल वृक्ष के नीचे हो जाते, जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाती, दुनिया उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब वो सपने से ही पूरा कर लेते, अब उन्हें वास्तविक पूर्ति की कोई जरूरत नहीं, सुखी हो जाते। अगर ठीक से समझे तो इस तथाकथित जगत में जो लोग सुखी दिखाई पड़ते हैं वो पागलपन की वजह से। अगर ठीक से समझे तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ कि इस तथाकथित विचित्र भोगों को भोगते हुए जो लोग सुखी दिखाई पड़ते हैं वो उनकी पागलपन की मात्रा के कारण। बुद्धिमान आदमी तो यहां एकदम उदास हो जाए, क्योंकि बुद्धिमान आदमी को तत्क्षण दिखाई पड़ जाएगा कि ये निपट गंवारी है, मूर्ता है, ये जो हो रहा है इसमें कुछ है नहीं। लेकिन पागल दौड़े चला जाए। कभी आपने देखा किसी राजनीतिक को जब वो सिंहासन पर पहुंच जाता है तो कैसा खुश मालूम होता है, वो पागलपन के शिखर पर खड़ा है। लेकिन उसकी उसका सुख तो है, उसका सुख तो है, सुखी तो दिखाई पड़ता है। गहन अध्ययनों से पता चला है कि राजनीतिक जब तक शक्ति में होते तब तक न बीमार पड़ते न मरते, बड़े ताजे और स्वस्थ होते। जैसी शक्ति से उतरते हैं वैसी जल्दी मर जाते, बीमार पड़ जाते। राजनीतिक तो सभी लोग नहीं होते, लेकिन दूसरी तरह से समझ लें, रिटायर्ड आदमी जल्दी मर जाता और उदास हो जाता और दुखी हो जाता। समझ लो कि तहसीलदार है तो गांव में वो राजा है, सारा गांव नमस्कार करता है, दफ्तर में आता लोग खड़े होते, घर में पहुंचता पत्नी भी मानती है, बच्चे भी मानते हैं तहसीलदार, सारा गांव मानता, उसकी दुनिया पूरी उसे मानती, जहां मूव कर जाए जहां चल जाए वहीं सब जाहिर हो जाता कौन आ रहा है। फिर वो रिटायर्ड हो गए, फिर उसी रास्ते से निकलता, कोई नमस्कार नहीं करता, बल्कि जिन जिन ने नमस्कार किया था वो बच के निकलते हैं कि अभी इसको कहीं नमस्कार न करना पड़े, कोई मतलब का भी नहीं, बेकार आदमी है, चली हुई कारतूस, इसका क्या करना। घर में आता है तो बच्चे भी उसकी तरफ देखते नहीं, पत्नी भी उसकी फिक्र नहीं पड़ती, अब तहसीलदार तो रहे नहीं, क्रीस तो निकल गई, कपड़ा बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे रात भर कोई आदमी सोया रहा हो पहन के, अब उसकी कौन फिक्र करता है, कौन उसकी तरफ देखता है, वो एकदम उदास हो जाता है,
उसे पता चलता है कोई मानने वाला नहीं रहा, भीतर टूटना शुरू हो जाता है, सम्मोहन खंडित होता है, मौत करीब आने लगती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रिटायर्ड होते आदमी की उम्र 10 वर्ष कम हो जाती, 10 वर्ष और जी सकता था लेकिन 10 वर्ष कम हो जाती, क्योंकि उसे कुछ नहीं सूझता, कहीं उसकी कोई उपयोगिता नहीं, कहीं उसके अहंकार की कोई तृप्ति नहीं, कहीं सुख नहीं मिलता, वो एकदम उदास हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका भीतरी कारण है कि वो जो सुख ले रहा था सम्मोहन का, अब उसको यथार्थ साथ नहीं देता, अब उसको यथार्थ साथ नहीं देता। लेकिन मैं एक ऐसे तहसीलदार को जानता हूं जो रिटायर होने के साथ ही पागल हो गए, मतलब वो अपने को अब भी तहसीलदार मानते और अब भी दफ्तर में तहसीलदार की अकल से कभी कभी पहुंच जाते, और अब भी वो इसकी फिक्र नहीं करते कि कौन खड़ा है कि नहीं खड़ा है, इसकी भी फिक्र नहीं करते कि नमस्कार आपने किया नहीं, वो जवाब देते। वो बड़े प्रसन्न और लगता है कि वो जिएंगे, उनके 10 साल कम नहीं हो सकते, वो इसकी फिक्र ही नहीं करते, वो अपने को तहसीलदार मानते ही है। वो रिटायर हुए ही नहीं अपनी तरफ से। मैं एक हेडमास्टर को जानता हूं, वो अब भी पहुंच जाते हैं स्कूल और अब भी थोड़ी देर हेडमास्टर की कुर्सी पर बैठ के शांति से लौट आते और बड़े आनंदित थे, उनको ख्याल में नहीं है वो रिटायर हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया। लेकिन ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ख्याल में आ जाए कि आपके सब सुख आपकी कल्पना से पैदा होते हैं और आपके पागलपन के हिस्से। बुद्धिमान आदमी यहां जरा भी सुख नहीं देख पाएगा जहां आप सुख देख रहे, मगर बड़ा मजा है, बुद्धिमान आदमी हमें पागल मालूम पड़ता है कि इसका दिमाग खराब हो गया। कितना मजा आ रहा है सिनेमा में बैठ के, हम कितना आनंद ले रहे हैं, इसका दिमाग खराब हो गया। क्या मजा ले रहे हैं आप वहां पर्दे पर सिवाय छाया और धूप के कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ऐसे ना समझो को जानता हूं कि अगर कोई स्त्री नाच रही हो और उसका घाघरा ऊपर उठ रहा हो तो कुर्सी से नीचे झुक के देखते और बड़ा सुख पाते, बड़ा सुख पाते। मैंने सुना है कि पहली दफा लंदन में एक फिल्म आई, पहली दफा जब शुरू हुआ फिल्म का सिलसिला, तो उस फिल्म में एक नग्न स्त्री एक तालाब पर स्नान कर रही, उसने सब कपड़े उतार के वो तालाब में कूदी है, तभी एक ट्रेन झकझक झक करती हुई निकल जाती और वो तालाब उस तरफ पड़ जाता है। तो जिन लोगों ने पहले दिन टिकट खरीदे थे वो उसी दिन दूसरे दिन का टिकट मांगने लगे। तो मैनेजर ने कहा तुम तो फिल्म देख चुके, तो उनमें से एक आदमी ने कहा बात ऐसी है कि ये ट्रेन इसी वक्त पर रोज थोड़ी आएगी, कभी तो लेट होगी। वो एन वक्त पे आ गई, वो जानकी लाई गई थी ताकि वो नग्न चित्र सीधा नग्न न हो जाए, बस कपड़े उतार रही थी सुंदरी और कूदने के करीब थी, छपाक की आवाज हुई और ट्रेन गुजर गई। तो लोगों ने कहा कि रोज कहीं ट्रेन कहीं रोज एक ही टाइम पे आई, किसी दिन तो ये लेट हो ही जाएगी। ये आदमी है, ये हमारे भीतर छिपा आदमी है, इसको दूसरा समझ के मत हंसना, नहीं तो आप फिर सम्मोहन कर रहे हैं। ये मत समझना कि किसी और की कहानी, ये आपकी ही कहानी। और अगर आपने समझा कि मैं किसी और के संबंध में कह रहा हूं तो आप अपने को धोखा दे रहे हैं। आदमी सपनों में भी तृप्ति खोजता है और तृप्त होता रहता है। सुबह सपना टूटता है तब थोड़ी पीड़ा होती, लेकिन रात रात तो सपना बड़ा सुख देता रहता है और सपने से भी तृप्ति पाता है। आपको पता नहीं है अभी सपने पर काफी खोजबीन चलती है, तो यह अनुभव हुआ कि जो लोग सुखद सपने देखते हैं वो सुबह ज्यादा ताजे उठते हैं और जो लोग दुखद सपने देखते हैं वो सुबह बड़े उदास और परेशान उठते हैं। सुखद सपना सपना ही नहीं, सुबह आपको ताजगी भी देता है, सुबह आप बड़े प्रसन्न उठते हैं, जिंदगी में रस मालूम पड़ता है, पुलक मालूम पड़ती है, ओंठों पर गीत मालूम पड़ता है। अगर रात आपने सुखद सपना देखा तो सुबह के आपके जागने का गुणधर्म बदल जाता है। अगर रात आपने दुखद सपना देखा कि काफी आपकी पिटाई हुई है, इलेक्शन हार गए या और कोई उपद्रव आपने देखा, कोई नाइटमेयर देखा, तो सुबह आप
बिल्कुल बेजान उठते हैं, उठने का मन नहीं होता, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता। इस पर काफी वैज्ञानिक सोच चलती है। और एक वैज्ञानिक इस लेटर ने तो कहा है कि अगर हम आदमी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें सुखद सपने पैदा करने का कोई इंतजाम खोजना पड़ेगा। क्या ये हो सकता है कि हम सुखद सपने पैदा कर सकें? अब इस पर काफी काम चलता है, सपने पैदा किए जा सकते हैं बाहर से भी। एक आदमी सो रहा हो, आप जरा उसके पांव के पास गीले पानी का कपड़ा उसके पांव में लगाते रहे थोड़ी देर, फिर उसको उठा के पूछें तो वो बताएगा उसने सपना देखा कि वो नदी में से गुजर रहा है। ये सपना आपने पैदा करवा दिया। जरा उसके पांव के पास स्टोव ले जाए थोड़ी गर्मी दे, फिर उसको जगा के पूछें तो वो कहेगा मैंने सपना देखा कि मैं रेगिस्तान में चला जा। ये आपने सपना पैदा कर दिया। अगर इतना हो सकता है तो आज नहीं कल हम उपाय खोज लेंगे, कोई यांत्रिक व्यवस्था खोज लेंगे कि हर कमरे में लगा दी जाए और आदमी रात भर सुखद सपने देखता है तो सुबह वो ज्यादा ताजा, जीवन से भरा हुआ, तथा कथित जीवन से भरा हुआ, ज्यादा धोखे में डूबा हुआ, ज्यादा सम्मोहित, दफ्तर की तरफ तेजी से जाता हुआ गुनगुनाता गीत मिलेगा। ऋषि कहता है कि माया से कल्पित जीव लोक में वही मनुष्य स्वप्नावस्था में शरीर के सुखों और दुखों को भोगता है, वहां भी भोगता रहता है वो उसी पागलपन को जिसको वो जागते में भोगता है। हमारा सपना हमारा जागने का ही परिशिष्ट है, उसका ही हिस्सा है, जो जो अधूरा रह गया उसे हम पूरा कर लेते। इतना ही नहीं, जब तीसरी अवस्था होती है मन मनुष्य की सुसुप्त, जब सपने भी खो जाते कुछ भी नहीं बचता, सुसुप्त अवस्था में जब समस्त माया का प्रपंच भी समाप्त हो जाता है, चेतना ही खो जाती, तमोगुण से पराजित होकर आदमी मूर्छित हो जाता है, तब भी वह सुबह उठकर कहता है कि रात बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा सुख मिला। जागने में वो सुख खोजता है, सपने में खोजता है, और जब कुछ भी नहीं बचता, सपना भी नहीं बचता, तब भी वो सुबह उठकर कहता है कि खूब गहरी नींद आई, बड़ा सुख मिला। मगर इन तीनों अवस्थाओं में सुख सम्मोहन है और सुख मनुष्य की कल्पना है। हाँ, जहां जहां सुख की कल्पना टूटती है वहां वहां दुख पाता है, दुख सुख की कल्पना का पूरा न हो पाना है। इसलिए जो आदमी सुख की चाह रखता है वो दुख पाता रहता है, दुख विफलताएं अपेक्षाओं का पूरा न होना है। तो सपने भी दुख दे सकते हैं, जागृत भी दुख दे सकता है, सिर्फ सुसुप्तावस्था दुख नहीं देती, क्योंकि वहां कोई जानने वाला ही शेष नहीं रह जाता, सब सो जाते। इसलिए अगर ठीक से समझे तो हम तीनों ही अवस्था में मानकर जी रहे हैं कि जीवन ऐसा 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 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रक्षेप कर रहे हैं, जीवन को निर्मित कर रहे हैं, लेकिन जीवन कैसा है उसका हमें कोई भी पता नहीं। ऋषि ने ये तीनों अवस्थाओं